नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, शिवपुरी के सीहोर में स्कूल वैन में गैस में आग लग गई, गैस सिलेंडर में। दरअसल स्कूल वैन की गैस रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ और अचानक आग भड़की और इसकी सूचना सीहोर पुलिस को दी गई और सीहोर पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहले स्कूल के अंदर मौजूद 150 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल ग्रामीणों की मदद से स्कूल की दीवार को हल्का सा वहां पर तोड़ा गया और फिर वहां से बच्चों को दीवार फांद कर बाहर निकाला गया। दरअसल वैन में आग लग गई थी और इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था, उससे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, कब की ये दुर्घटना है और क्या है डिटेल्स, कैसे लगी थी आग? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कल का मामला है। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील अंतर्गत जो सीहोर कस्बा आता है, वहां पर सेंट्रल एकेडमी स्कूल के नाम से एक स्कूल संचालित है, उसके मुख्य द्वार पर ये स्कूल वैन खड़ी हुई थी और उसमें संभवतः रिफिलिंग का काम किया जा रहा था, उसमें गैस रिफिल की जा रही थी। उसी समय इसमें अचानक से आग लग गई। चूंकि ये स्कूल का मेन दरवाजा था, बच्चों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। जैसी वैन में आग लगी तो बच्चों को किसी तरह ग्रामीणों की मदद से स्कूल के पिछले हिस्से की दीवार से किसी तरह एक एक करके 150 बच्चों को पीछे की दीवार से उतारा गया। खास बात, सुरक्षित सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रही, ये विशेष बात रही। ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस पूरे मामले में एक बात ये सामने आई है कि जो स्कूल संचालक है और गाड़ी का चालक है जो ये रिफिलिंग का काम कर रहे थे, वो वहां से तुरंत ही गायब हो गए। उसके बाद पूरा घटनाक्रम चलता रहा, पुलिस आ गई, लेकिन ये स्कूल संचालक और जो गाड़ी वैन का चालक था वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन आग कैसे लगी अशोक? और चूंकि जो तस्वीर दिख रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत पुराने मॉडल की ये गाड़ी है और ये गाड़ी की हालत भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जो सीहोर के थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव, उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार ये जो स्कूल वैन है ये काफी पुरानी थी और ये स्कूल परिसर के मुख्य गेट पर खड़ी थी और वहीं पर इसमें गैस रिफिल की जा रही थी। गैस रिफिल के समय ही ये इसमें आग लगी और जिस थोड़ी देर में इस आग ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले ली, जिसके कारण बच्चे दहशत में आ गए, रोने चिल्लाने लगे। तब ग्रामीणों की मदद से सभी को स्कूल की पिछली दीवार से नीचे उतारा गया। नहीं, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है अशोक? ये गाड़ी किसकी है और ये गैस रिफिलिंग स्कूल के बाहर ही कैसे हो रही थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो जिला शिक्षा केंद्र के डीपीसी हैं दफेदार सिंह सिकरवार, उनका इस मामले में कहना है कि वो उन्होंने स्कूल संचालक प्रशांत पाठक को बुलाया है, लेकिन चूंकि उनका फोन भी रिसीव नहीं हो रहा, उनसे बात नहीं हो पाई है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस भी उनकी तलाश में है, लेकिन स्कूल संचालक और जो गाड़ी चालक है वो अभी तक फरार बने हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, भिंड से एक अहम खबर, आंदोलन की परमिशन न मिलने पर कांग्रेस भड़क गई। दरअसल लहार में 9 अगस्त को होने वाला था आंदोलन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया, जिला प्रशासन पर दबाव में परमिशन नहीं देने का आरोप लगा और जन आंदोलन में जीतू पटवारी उमंग सिंघार के आने की थी तैयारी, दिग्विजय सिंह अरुण यादव के आने की चल रही थी तैयारी। इसके लोकतंत्र व्यवस्थाओं को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करने का काम कर रही है और उनके दबाव में जिस प्रकार से जिला प्रशासन काम कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत ही निंदनीय काम है कि जहां एक ओर विपक्ष को अपनी बात कहने का, आम जनता के आम जन के मुद्दे सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए यदि हम लोग कोई एक बड़ा जन आंदोलन जिसमें आम जन की भागीदारी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होनी थी, उसको लेकर जब हम कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जंगी प्रदर्शन का ऐलान पूर्व में ही हो चुका था, लेकिन प्रशासन ने की मंशा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पूर्व से ही किसी दूसरे की वहाँ अनुमति निर्धारित कर दी, जबकि भी उन्हें पहले से ही पता था कि कांग्रेस पार्टी का इस जगह पर बड़ा प्रदर्शन होना है। और रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। रवि, किस तरह के आंदोलन की तैयारी थी जिसकी परमिशन नहीं मिली तो कांग्रेस भड़क गई? जी, आपने जो कहा है वो सही कहा है कि इस समय जो कांग्रेस है वो भड़की हुई है, क्योंकि 9 अगस्त को पहले से ही तैयारियां लगातार कांग्रेस की चल रही थी। डॉक्टर गोविंद सिंह का जब से लाहार के जो कोठी है उसका सीमांकन का जो प्रारंभ हुआ है, जिसको लेकर अवैध अतिक्रमण का लगातार जो शिकायतें चल रही थी उसको लेकर लगातार सीमांकन किया जा रहा था प्रशासन की ओर से, और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह भी बोलने न्यूज 18 के कैमरे पर बोले थे कि हमारे प्रशासन और सत्ता पक्ष के दबाव में हमारी कोठी तोड़ने पर आमद है।
इसको लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत की थी, जिसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि 9 अगस्त को लाहौर में एक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह और नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और जो आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित विवेक तनखा, अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, मतलब पूरी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय कांग्रेस 9 अगस्त को लाहौर में एक जन आंदोलन करने वाली थी, जिसकी तैयारियां भाटनताल के लिए चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने जब मंजूरी नहीं दी कार्यक्रम कराने की लेकर, तो इस समय कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवा वो भड़के और उन्होंने सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन को कार्य करने के जो आरोप हैं वो लगा दिए हैं, और लगातार वो ये कह रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर यदि प्रशासन अगर यदि कांग्रेस को जन आंदोलन करने के लिए अगर यदि परमिशन नहीं देगा तो भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जब प्रशासन ना उनको आंदोलन करने की जब परमिशन नहीं देगी, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसमें हजारों की तादाद में क्षेत्र से नहीं पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता भी आएंगे और लाहौर क्षेत्र की भी जनता आएगी, पूरे समूचे भिंड जिले के भी लोग शामिल जब होंगे, तो कहीं ना कहीं इतने व्यापक स्तर पर जो आंदोलन जो चल रहा है, अगर यदि इसको लेकर अगर ये प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं ली तो क्या जो समस्याएं उठ जाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस कहां आंदोलन, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।